ध्याड़े 500 श्रद्धालुएं दे पहले जत्थे की झंडी दसिया किता रवाना ते जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़क अज रामबन कोल पसी पौने करी परतिया ट्रैफिक लई बंद। हुण खबरां तफसील कन्ने, सुप्रीम कोर्ट ने अज एक राह कन्ने दिते गए अपने महत्वपूर्ण फैसले च अयोध्या च राम मंदिर बनाने का रस्ता साफ कर दिता है। उहां अदालत ने केंद्र की यह हिदायत भी जारी की थी जे वह शहर की एक प्रमुख थारा पर मस्जिद बनाने की सुनी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ का प्लाट हासिल करोग। अदालत दे मुख न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई हुंदी अध्यक्षता वाली 5 जजें पर आधारित एक पीठ ने अपने 1000 सफे दे फैसले च आख्या जे हिंदुएं दे एक इस विश्वास पर कोई शक नहीं है जे भन्ने गए ढांचे वाली थारा पर गै भगवान राम का जन्म हुआ हा। अदालत ने 2.77 एकड़ की एकड़ी जमीन केंद्र सरकार की सौंपते हुए आख्या जे वह मंदिर के निर्माण लई एक ट्रस्ट कायम करे। अयोध्या एक्विजिशन एक्ट और वहाँ मैनेजमेंट का सारा व्यवस्था करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सूट नंबर 4 को पार्टली डिक्री किया है और उनको एक अल्टरनेटेड लैंड देने की आदेश पारित किया गया है। आज जजमेंट में 1993 की जो अयोध्या एक्ट है उसको इन्वोक करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 6 और 7 में यह आदेश दिया है कि आप एक स्कीम बनाए, उस स्कीम को बना करके जो रामलला को वो जो डिस्प्यूटेड है 2.77 एकड़ उनको दिया जाएगा और मुस्लिम पक्ष का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो सुटफोर था उसको भी अलाउ किया और ये कहा कि आप जो है 5 एकड़ लैंड अयोध्या के अंदर कहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित किया है, राज्य सरकार को आदेशित किया है कि एक्वायर करके उनको दिया जाए मॉस्क बनाने के लिए और एसोसिएटेड जो भी उनकी एक्टिविटीज है उसको चलाने के लिए। कोर्ट ने जो भी कहा और ठीक कहा हम उसका सम्मान करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की हमको कहा देती है कहा नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था वो आज खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें राम जन्म भूमि मंदिर के मामले च सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आख्या जे ये इसी कुसे दी जित या हार दे रूपे च नहीं लिया जाना लोड़चदा। अपने एक सनेह च उन्हें लोगों की रमानदारी ते आपसी सद्भाव बनाई रखने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होरें भी एक राह कन्ने दिते गए फैसले का स्वागत करते हुए सबने तबके ते धर्मे दे लोगों की अपील की थी जो वह इस फैसले की मंजूर करिए शांति ते भाईचारे लिए वचनबद्ध बने their own। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले दे सुप्रीम कोर्ट आसिया अज फैसला सुनाए जाने की ध्यान च रखते हुए पूरे जम्मू प्रांता च प्रशासन की तरफा एहतियात के तौर पर दफा 144 लाई दी गई। जम्मू शहर च भी दफा 144 लाने दे कन्ने कन्ने स्कूल कॉलेज बंद रखने दे हुक्म भी दिते गए। थारे थारे सुरक्षा बलें की तैनाती की गई तां जे कुसै भी माड़ी घटना की होने को रोकया जा। इस चाली कठुआ जिले च भी प्रशासन ने एहतियात के तौर पर दफा 144 लाइयै सभी शिक्षा अदारे अज बंद रखने के हुक्म जारी किए। रामबन च भी इसे चाली प्रशासन की तरफा रमानदारी बनाई रखने लिए पाबंदियां लाई गई। तुआई डोडा जिले च भी स्कूल कॉलेज बंद रहे ते कानून व्यवस्था की बनाई रखने लिए पाबंदियां लाई गई। रियासी जिले च प्रशासन ने दफा 144 नाफज करिए सभी शिक्षा अदारे अज बंद रखने के हुक्म दिते। उधमपुर च भी इसे चाली की स्थिति रही ते उत्थे संवेदनशील थारें पर वाधू सुरक्षा बल तैनात किए गए। तुआई सांबा च भी रमानदारी बनाई रखने लिए प्रशासन की तरफा दफा 144 लाई दी गई। इं गैर जोरी च भी प्रशासन ने एहतियात के तौर पर दफा 144 नाफिज किए जाने कारण अज शहरा च लोगों की आवाजाही प्रभावित रही। इहदे अलावा प्रशासन आसिया जारी हुक्म मुताबक सभी स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। इस दौरान पूरे प्रांता च रमानदारी वाली स्थिति बनी दी रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखिया जे करतारपुर साहब कारीडोर ते संगठित चेक पोस्ट खोलने कन्ने दोहरी खुशी हासिल हुई है। वह अज गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक च करतारपुर साहब कारीडोर का उद्घाटन करने परंत लोगों को संबोधित करा करते हे। उन्हें इस कारीडोर की बनाए जाने च दिते गए दे सहयोग लई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उनका धन्यवाद किया। इहदे थमां पहले उन्हें 500 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे की गुरुद्वारा दरबार साहब लई झंडी दसिए रवाना किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के विषय में भारत की भावनाओं को समझा, सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कार्य किया। मैं पाकिस्तान के श्रमिक साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी तेजी से अपनी तरफ के कॉरिडोर को पूरा करने में मदद की। साथ रियासी दी जिला अदालत दे परिसरे च राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। प्रिंसिपल जिला सैशन जज ते जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण दे अध्यक्ष कमलेश पंडिता उन्दे मार्गदर्शन च ए समारोह करवाया गया। इस मौके पर एक कानूनी जागरूकता कैंप ते लोक अदालत दा आयोजन भी हुआ। इस मौके पर कानूनी सेवा प्राधिकरण आसिया 10 दिन चलने वाला आउटरीच अभियान भी शुरू किया गया, जिहदे च संबंधित वकीलें गी जिले दे दूर दरेडे इलाके च लोकें गी कानूनी सेवाएं बारे जागरूक करने लिए भेजा गया। और उसके बाद एक इंटर्नशिप रिलेटेड जो स्कीम है, हमने डीसी मैडम से बात की। डीसी मैडम आप लोग खुशकिस्मत है, यहाँ गलीज और गंदा वो हैवान है, सुने थे जिसको कहते हैं क्लीननेस इज बेटर देन इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ऐसे बोलते हैं। आज हमने नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया है। 9 नवंबर को हम लोग हर साल ये मनाते हैं। इसका मकसद यही है कि अब जो खासकर जो गरीब आवाम है, जो अपने मुकदमात अदालत में अपनी गुर्बत की वजह से, अपने किसी हैंडीकैप्ड की वजह से नहीं कर सकते हैं, उनको हम मदद करते हैं। हमने फ्री लीगल सर्विसेज देते हैं, फ्री लीगल सर्विसेज नहीं बल्कि कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस को देते हैं। लीगल सर्विसेज का मकसद ही यही है कि हम लोग कोई इंसाफ से महरूम ना रहे, क्योंकि उनके उसके पास पैसा नहीं है या वो अदालत में नहीं आ सका किसी गुर्बत की वजह से, वो अब मसला नहीं है अब। तुआई उधमपुर च भी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण आसिया राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस उपर एक समारोह करवाया गया। प्रिंसिपल जिला सैशन जज ML मनास होर इस मौके उपर मुख परौने हे। ए दिन मनाने दा मकसद लोकें गी खास तौर पर समाज दे कमजोर तबके गी मुफ्त ते कारी दी कानूनी सेवाएं गी उपलब्ध कराना है। समारोह च उधमपुर दे मुख शहरदार, व्यापार मंडल दे सदस्य, न्यायपालिका दे प्रतिनिधि ते पंचे सरपंचे हिस्सा लैता। पत्रकारें कन्नै गल करदे होई सब जज संदीप कौर होरें दस्या जे सुप्रीम कोर्ट ने 1995 च पूरे भारत च ए दिन मनाने दी शुरुआत कीती ही तां जे समाज दे गरीब ते कमजोर तबके गी बिजन कुसै भेदभाव दे कानून The day celebration is organized all over India to increase awareness. हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में आया था और उसके बाद ये दिन यानी कि 9 नवंबर हर साल 1995 के बाद से लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जा रहा है। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो कि 1987 में आया था उसको कमेंसोरेट करने के लिए मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। हाँ, इसकी शुरुआत जो है वो 1995 में और उसका ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे भगवती जी थे जिनके तहत ये प्रोग्राम एक आज का दिन लीगल सर्विस अथॉरिटी के सर्विसेज के रूप में मनाया जा रहा है।
जम्मू दी डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान होरें अज एक सादे पर प्रभावशाली समारोह च जम्मू दे प्रसिद्ध चिड़ी मेले उपर एक वैबसाइट शुरू कीती। चिड़ी मेले दी वैबसाइट chidi.jammu.gov.in कन्ने जम्मू जिले दी सांस्कृतिक जानकारी गी विश्व स्तर दे पटल पर आनने च कामयाबी हासिल होग। इस वैबसाइट च चिड़ी मेले बारे सूचना दिती गेदी है ते आने आले समें च एदे उपर होर मती जानकारी चाड़ी जाग। डिप्टी कमिश्नर होरें मेला अधिकारी तारिक नायक ते NIC दे जिला सूचना अधिकारी संजय गुप्ता हुंदे आसिया इस शानदार वैबसाइट की बड़े घट समय च तैयार करने की सराहना की थी। उधमपुर च मुकामी लोकें एक खास किस्मा दे जंगली हिरन गी बचाई है। जानवरें लई मनुखें दे हिरखा दा संदेश दिता है। ए हिरन कावा नां दे इलाके कोल एक नहरा च डिगी पिया जिहदी खबर मिलदे गै मुकामी लोक किट्ठे होए गए ते उन्हें उसी बचाने लई जतन शुरू करी दिते। 3 घंटे दी सख्त मशक्कत परैंत लोक उस हिरन गी सुरक्षित बाहर कढ़ने च कामयाब होए। तो हमारे गांव में एक नहर जाती है जिसमें सुबह हमें कोई 7 बजे के करीब सूचना मिली कि इधर एक जंगली जानवर हिरण जो इधर गिर गया नहर में। तो हमारे गांव वासियों ने सभी ने इकट्ठे होके इस हिरण को कम से कम कोई आधा घंटा लगा दिया बाहर निकालने के लिए। तो सभी गांव वासी अभी इधर इकट्ठे हुए हैं तो हमने ये बाहर निकाला है। जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़क उपर रामबन कस्बे कोला 2 किलोमीटर पहले मेहाड़ थार अज दोपहरी 1 बजे पसिया पौने करी गड्डियों की आवाजाही रुकी गई। जरनैली सड़क पर दोने पासे सैकड़ा गड्डियां फंसी गईं। ट्रैफिक पुलिस के सूत्रे मूज सड़क पर मलबा हटाने 6 मशीन लाई गईं पर मलबा इन्ना मता है जे कल तकर गै इहदे साफ हो पाने की उम्मीद है। As far as the landslides are concerned, because of National Highway, there has been a large landslide in the Mehad, which is near Ramban, jiski wajah se traffic ab band ho gaya hai to ply between Jammu. मौसम विभाग की सूचना मूजब जम्मू च पिछले 24 घंटे दौरान बदोबद तापमान 28.3 डिग्री सैलसीयस ते घट्टो घट्ट तापमान 13.5 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। बुलेटिन के अखीर च खास खास खबरें एक बार परती है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की तनाजे वाली थां राम मंदिर बनाने ते मस्जिद लई 5 एकड़ बकरी थां देने का अज सुनाया इतिहासिक फैसला। प्रधानमंत्री होरें आखिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना कुसे की जित ते ना गै कुसे की हार, लोकें की रमानदारी बनाई रखने की कीति अपील। करतारपुर कारीडोर का अज प्रधानमंत्री होरें किया उद्घाटन। पहले दिहाड़े 500 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे की झंडी दसिया किया रवाना। जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़क अज रामबन कोल पसी पौने करी परतिये ट्रैफिक लई बंद। एदे कन्ने गै डोगरी खबरें का बुलेटिन समाप्त होया। नमस्कार।